Now another C program based on array insert operations. Just a previous session में array के अंदर insertion perform कराया था either beginning or end position or before given or after given. लेकिन इस केस में just perform क्या कराना replace operation. मीन्स इस केस में given item को replace कराना just new elements. Clear? For example, इस केस में just we use 30 को अगर replace कराना चाहिए 30 replaced by 50. तो इस केस में just call क्या कराएं insert function. इंसर्ट के रिस्पेक्ट में सप्लाई क्या करा हुआ एरे का एड्रेस और एरे नेम देन करंट साइज ऑफ एरे करंट साइज एरे का रिप्रेजेंट किसे करेंगे एनसी. क्लियर. नेक्स्ट वन इसके अलावा आप सप्लाई क्या करा हुआ गिवन एलिमेंट वी वांट टू रिप्लेसिंग 40 बाय इस 40 को जस्ट मैं रिप्लेस किससे कराना चाहता हूं न्यू एलिमेंट एज 35 लाइक दैट. इस केस में टोटल पैरामीटर्स कितने पास होना है 4. देन इस केस में एक्शन क्या परफॉर्म करना है मीन्स सबसे पहले आप सर्च क्या करोगे गिवन एलिमेंट 40 मीन्स 40 को सबसे पहले 0 इंडेक्स में सर्च करें देन 1 इंडेक्स में देन 3 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3. जैसे ही गिवन एलिमेंट किसी भी एरे के एलिमेंट से मैच होता है जस्ट चेक क्या करना ओनली फर्स्ट ऑकरेंस नॉट फॉर ऑल ऑकरेंस. मैं एज्यूम करके चल रहा हूं एरे के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे ऑल आर यूनिक एलिमेंट्स मींस ओनली सिंगल ऑकरेंस के लिए परफॉर्म कराना चाहते हैं. जैसे इस केस में गिवन एलिमेंट का ऑकरेंस फाउंड होता है देन इमीडिएटली सेम इंडेक्स में कॉपी क्या करा हुआ न्यू एलिमेंट आइटम वैल्यू इन सेम इंडेक्स. तो अगेन इस केस में सिंपली आपको कुछ भी नया ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराना है. परफॉर्म क्या करना ओनली सर्च ऑपरेशन क्योंकि गिवन एलिमेंट का पहले पोजीशन सर्च करोगे देन आपके लिए एलिमेंट को इंसर्ट कराना पॉसिबल. वन मोर थिंग्स अभी तक मैंने जितने भी इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किए थे सभी केस में आपको रिक्वायर्ड किया हुआ था मोस्ट ऑफ केसेस में जस्ट डेटा शिफ्ट ऑपरेशन. डेटा शिफ्ट ऑपरेशन कब रिक्वायर्ड था जब अगर आप एग्जिस्टिंग एलिमेंट भी बनाए रखना चाहते हो प्लस न्यू एलिमेंट को भी इंसर्ट कराना चाहते हो लेकिन इस केस में एग्जिस्टिंग एलिमेंट जस्ट रिप्लेस हो रहा है. रिप्लेस हो रहा है इससे कोई भी अदर एलिमेंट इफेक्ट हो रहा है अफेक्ट होगा क्या नहीं इसलिए इस केस में कोई भी डेटा शिफ्ट ऑपरेशन जस्ट सिंपली सर्च ऑपरेशन. तो इस केस में सबसे पहले सर्च ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में फाइनली यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कराया जाए इंसर्ट. इंसर्ट के अंदर टोटल पैरामीटर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे 4. फर्स्ट केस में पास किया हुआ एरे का बेस एड्रेस. क्लियर. फर्स्ट केस में int star भी यूज कर सकते हो और a ऑफ वन डायमेंशन दोनों की मीनिंग कैसे सेम दिस इज मोर रीडेबल कंपेयर टू पॉइंटर. नेक्स्ट वन int n थर्ड आर्गुमेंट में पास क्या करोगे गिवन इंट गिवन जी देन फोर्थ आर्गुमेंट इंसर्टेड एलिमेंट. इंसर्टेड एलिमेंट को इस प्लेस में रिप्रेजेंट कराऊँ एक्स से तो एक्स को आसान किस में कराओगे एग्जिस्टिंग एलिमेंट के इंडेक्स पर. तो आपको बस इस केस में लॉजिक इसके लिए इंप्लीमेंट करना सर्चिंग फॉर गिवन एलिमेंट. तो गिवन एलिमेंट को सर्च करने के लिए जस्ट एरे के सारे एलिमेंट इटरेट करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ इटरेटिव वेरिएबल जस्ट इंटीजर आई प्लस फोर लूप. फर्स्ट टाइम गिवन एलिमेंट को सबसे पहले किससे मैच कराएंगे 0 इंडेक्स से देन 1 इंडेक्स से एंड सो ऑन. इसलिए आई टी केस में स्टार्टिंग किस प्लेस करा फ्रॉम 0 कब तक सर्च कराना है अप टू गिवन साइज एन देन आई प्लस प्लस स्पेशली याद रखना जिस प्लेस पर आप इंसर्ट ऑपरेशन अप्लाई करो उस प्लेस पर एवरी टाइम आप परफॉर्म क्या कराओगे इंक्रीमेंट इन करेंट साइज ऑफ एरिंग क्योंकि जब भी आप इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे एवरी टाइम एरे का लेंथ जस्ट वन से इंक्रीज हो रहा है लेकिन इस केस में लेंथ चेंज होगा क्या नहीं रीजन क्यों इस केस में जस्ट रिप्लेसमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है मीन्स अगर आप किसी भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को न्यू वैल्यू से रिप्लेस करा दें साइज कैसा रहेगा एरे का सेम. इन दैट केस आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस देन फाइनली परफॉर्म क्या कराना है इस केस में आपको सर्च क्या करना है करेंट पोजिशन ऑफ सॉरी एवरी टाइम गिवेन एलिमेंट को मैच किससे करा हुए करेंट वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई. अगर ए ऑफ आई के किसी भी वैल्यू से जैसे ही गिवन एलिमेंट का वैल्यू मैच होता है इसका मतलब क्या दिस इज द प्रॉपर प्लेस फॉर असाइनिंग न्यू एलिमेंट. तो इस केस में जस्ट राइट डाउन क्या करेंगे ए ऑफ आई इक्वल्स टू आई थ इंडेक्स में जस्ट असाइन क्या करा दोगे न्यू एलिमेंट एक्स देन इसके जस्ट बाद आगे आपको लूप कंटिन्यू करने की नहीं इसलिए इमीडिएटली राइट क्या करोगे आइदर रिटर्न स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लूप. इसे ऑपरेशंस के थ्रू जस्ट परफॉर्म क्या होंगे रिप्लेस ऑपरेशंस चेक कर सकते हो. इस केस में फॉर एग्जांपल इनिशियली आई के केस में इनिशियलाइजेशन किससे हुआ 0 से गिवन का वैल्यू क्या पास किया है गिवन के केस में आसान क्या हो रहा 40 मीन्स जी का वैल्यू क्या है इस केस में टोटल जितने वेरिएबल्स हैं सभी वेरिएबल्स के लिए एलोकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं गिवन एक्स आई एंड एन एन ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया विद वैल्यू 5. नेक्स्ट वन इस केस में जस्ट गिवन का वैल्यू क्या पास हुआ है
40, इंसर्टेड एलिमेंट का वैल्यू क्या है 35, आई के केस में इनिशियलाइजेशन किससे हुआ जीरो से, कंडीशन टेस्टिंग 0 less than 5, कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है देन जी का वैल्यू क्या है जस्ट 40 इक्वल आई का वैल्यू क्या जीरो, ए ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो में क्या फाउंड हो रहा है जस्ट 10। तो फर्स्ट टाइम गिवन एलिमेंट कंपेयर किससे हुआ एरे के फर्स्ट एलिमेंट से, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, फॉल्स फॉल्स है देन परफॉर्म क्या होगा आई प्लस प्लस आई बिकम्स 1, देन अगेन नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्टिंग 1 less than 5, कंडीशन अगेन ट्रू, ट्रू है देन फिर से गिवन के केस में गिवन तो सेट हो चुका है फाइनली, गिवन क्या है एवरी टाइम 40, लेकिन इस केस में आई का वैल्यू 1 है, ए ऑफ 1 में क्या फंड हो रहा है जस्ट 20, तो नेक्स्ट टाइम कंपेरिजन किसके लिए होगा 20 के लिए, अगेन कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है देन नो एक्शन परफॉर्मिंग आई प्लस प्लस, अगेन कंडीशन टेस्टिंग 2 less than 5, कंडीशन इज अगेन ट्रू, कंडीशन टू देन इफ कंडीशन टेस्ट हुआ, इफ कंडीशन के केस में ए ऑफ आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा आई का वैल्यू क्या 2 और 2 इंडेक्स में क्या 30, नेक्स्ट टाइम कंपेरिजन किससे होगा थर्ड एलिमेंट विच इज अगेन फॉल्स, अगेन आई प्लस प्लस आई का वैल्यू क्या जाए 3, 3 less than 5 कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन टू है इस केस में जस्ट अगेन इफ कंडीशन टेस्ट करें तो गिवन का वैल्यू क्या है 40, ए ऑफ आई मीन्स आई का वैल्यू क्या 3 और थर्ड इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा 40, दिस टाइम कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है इसका मतलब क्या है गिवन एलिमेंट फाउंड हो रहा है, फाउंड हो रहा देन इमीडिएटली ए ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या करंटली 3, तो थर्ड इंडेक्स में आसानी का वैल्यू ऑफ एक्स और एक्स का वैल्यू क्या 35 किस इंडेक्स में आसान हुआ ए ऑफ 3 में, ए ऑफ 3 मीन्स नाउ 40 रिप्लेस्ड बाय 35, इसका ब्रेक को चांस ले कंट्रोल करने आउटसाइड लूप, देन रिमेनिंग लॉजिक एग्जीक्यूट हो गया, रिमेनिंग पार्ट जस्ट इसी प्लेस पर ब्रेक हो जाएगा यूजिंग दिस ब्रेक स्टेटमेंट, क्लियर, इसे से ऑपरेशंस के थ्रू या लॉजिक्स के थ्रू जस्ट एग्जिस्टिंग एलिमेंट को न्यू एलिमेंट से रिप्लेस कराना पॉसिबल है, देन फाइनली इसके लिए टेस्ट करेंगे ऑपरेशन को टेस्ट करने के लिए प्रोवाइड क्या करो मेन फंक्शन, जस्ट मेन फंक्शन के स्टेप्स की बात करें तो मेन के अंदर रिक्वायर्ड स्टेप्स क्या होंगे, फर्स्ट स्टेप एवरी टाइम प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन के रिस्पेक्ट में टोटल मेन के अंदर कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं, एरे ए, एरे का करंट साइज मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ एन प्लस गिवन एलिमेंट सप्लाई करोगे प्लस आइटम, टोटल कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है 4, एरे एन आई गिवन एंड आइटम इटरेटिव वेरिएबल आई 5 वेरिएबल्स, नेक्स्ट टाइम इसके जस्ट बाद रीड क्या करेंगे सबसे पहले करंट साइज ऑफ एरे, इस एरे का मैक्सिमम साइज क्या 10, लेकिन करंट साइज एन के थ्रू मैनेज करें लॉजिकली, करंट साइज रीड करने बाद देन एरे के लिए एलिमेंट्स कितने रीड कराओगे स्कैनएफ के थ्रू 5 और एन एलिमेंट, देन नेक्स्ट टाइम रीड क्या हो रहा है एलिमेंट ऑफ एरे यूजिंग दिस लूपिंग स्टेटमेंट और बाय यूजिंग दिस स्कैनएफ, नेक्स्ट टाइम इसके अलावा जैसे एलिमेंट को इंसर्ट कराना चाहते हो उस एलिमेंट के लिए वैल्यू रीड कराओगे प्लस गिवन का वैल्यू रीड कराओगे, नेक्स्ट टाइम इनपुट में क्या रीड कराना है गिवन और आइटम, तो सेकेंड स्टेप क्या है जस्ट रीडिंग इनपुट्स, तो इनपुट के केस में कितने इनपुट्स रीड करना है सबसे पहले एन देन एरे के एलिमेंट्स देन गिवन कॉमा आइटम, टोटल इनपुट्स कितने टाइप्स के रिक्वायर्ड होंगे 4 टाइप्स, इनपुट रीड करने के बाद जस्ट परफॉर्म क्या कराओगे ऑपरेशंस और लॉजिक्स, लॉजिक के रिस्पेक्ट में जस्ट परफॉर्म क्या कराना है इंसर्टिंग न्यू एलिमेंट इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग आइटम, देन इस पर्टिकुलर लॉजिक को परफॉर्म करने के लिए लॉजिक मैंने सेपरेट फंक्शन राइट डाउन किया इंसर्ट, इसलिए रिक्वायर्ड प्लेस पर जस्ट कॉल क्या कर लेंगे इंसर्ट फंक्शन, देन लॉजिक परफॉर्म होने के जस्ट बाद 4th स्टेप क्या है डिस्प्लेइंग आउटपुट, तो आउटपुट के केस में जस्ट डिस्प्ले क्या कराना है ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे, मीन्स इस केस में जस्ट एरे की करंट पोजिशन चेक करने के लिए सारे सारे एलिमेंट डिस्प्ले करा लोगे यूजिंग गिवन लूप, तो इस लूप के थ्रू जस्ट डिस्प्ले क्या हो रहे हैं ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे।